21 जून 2024 सुबह के बजे हैं 9:30, 9:30 हुई है और हमने मार्केट में पोजीशन बनाई है पुट साइड में। हमारा टारगेट रहेगा मार्केट में 51,500 तक मार्केट आएगा। मार्केट को देखते हुए हमने ये पुट साइड को बाई किया है और जल्दी ही टारगेट प्राप्त होगा। धीरे धीरे मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट को 51,500 तक जाना है। ये ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में किया है। अगर पुट साइड आपने बाय किया हुआ है तो छोटी कोई कैंडल ग्रीन बने तो सटरना नहीं चाहिए। मार्केट में थोड़ा सा रिक्स लेना ज़रूरी है तभी पैसा बनेगा। नो रिक्स तो रखे रह जाओ या टाइम लगता है मार्केट में। हम वेट करेंगे 51,500 तक मार्केट आए उसमें वेट करेंगे। मैं डेली एनालाइज करके मार्केट को देखता हूँ। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो 9:15 पर मार्केट में आ जाए। मैं वीडियो डालता रहता हूँ। थोड़ा मार्केट स्लो हो चुका है अभी, लेकिन मोमेंटम आएगा जब मार्केट पुट साइड में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल तो यहाँ एक बड़ी कैंडल बन चुकी है। देखते हैं क्या होता है, लॉस लेते हैं या प्रॉफिट। ये कैंडल पूंछ बनाकर नीचे उतरेगी। इसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। फिर भी हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट नीचे आएगा। इक्यानवे 1499 पर मैंने टारगेट लगा दिया है। मार्केट यहाँ तक आएगा। धीरे धीरे कैंडल नीचे से हट जाने लगी है और हो सकता है थोड़ी देर में हमें प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा रिक्स रखें, थोड़ा रिक्स, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रिक्स से लॉस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रिक्स रखें, प्रॉफिट ज़्यादा रखें। मार्केट में बना रहना है ना, इस मार्केट को डेली देखें ताकि आपको पता लगे कि कैंडलें कैसे बन रही हैं, कौन सी कैंडल बनने किस तरफ मूव करेगी।
अगली कैंडल बन गई है, 9:35 हो चुके हैं, आज 21 जून है। ये ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में लिया हुआ है। मार्केट को सुबह सुबह ओपन होते ही ट्रेड लेने में रिक्स भी होता है और पैसा भी अच्छा बनता है। अब ये मोमेंटम आ जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा सुबह सुबह। आगे ट्रेड करने को अगर आपका मन करे तो करो, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग करने से लॉस ही होता है, तो कृपया आप लॉस ना लेकर प्रॉफिट लें, ट्रेडिंग कम करें और प्रॉफिटेबल करें। कैंडल ने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया है, रेड कैंडल बने मेरे हिसाब से तो रेड कैंडल बनेगी और ये नीचे गति से नीचे जाएगी, 51,500 की तरफ मार्केट की तरफ नीचे जाएगी। सिग्नल दिखा दिया है रेड कैंडल का कि रेड कैंडल बनने वाली है। मार्केट शायद मेरे हिसाब से तो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है कि मार्केट नीचे आएगा, फिर इसने दोबारा ग्रीन बना दिया है, मुझे मार्केट में थोड़ा ठहराव चल रहा है, लेकिन ये कैंडल बनेगी तो स्पीड से ही नीचे जाएगी। देखो फिर निफ्टी 50 इससे सबसे खतरनाक बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में जो ट्रेड कर लिया हम जो पार गए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस से आइए, अगर आप पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी कॉल लोगे कभी पुट लोगे। कॉल लिया और रेड कैंडल बनी तो आपने काट दिया, लॉस हो गया। पुट लिया और ग्रीन कैंडल बनी तो पुट पर काट दिया। अगर एक कैंडलों को देख देख कर आप टाउन को कॉल को काटते रहोगे, मार्केट को समझोगे नहीं तो हमेशा लॉस होगा। इसलिए मार्केट को समझो, समझ कर ही लो। ऐसा नहीं है कि लॉस हमें नहीं होता है, हमें भी लॉस होता है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि कम से कम लॉस हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मार्केट को समझो, देखो मार्केट की पूरी तरह जाँच देखो करो कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, तो क्या पैटर्न बन रहा है, या जिस हिसाब से आप देखते हो मार्केट उस हिसाब से देखो। मेरा देखने का तरीका तो खाली ऑप्शन चैन है, जैसे वॉल्यूम है, ओआई है, ये सब देखकर ही मैं ट्रेड करता हूँ। अब लगता है कि मोमेंटम आए, तेज से मोमेंट आए और स्पीडली एक लंबी कैंडल बने। मार्केट में अभी कोई मोमेंटम ऐसा है नहीं खास, स्लो चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का मार्केट तो बहुत ही स्पीडली चलता है। आज पता नहीं क्यों मार्केट धीरे चल रहा है। हमारा टारगेट पूरा हो जाए तो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, अगला ट्रेड लेने की सोचेंगे, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड खाली जो भाई लॉस लेते हैं उन्हें समझाने के लिए है कि भाई मार्केट को पूरी तरह देखो, किसी के कहने पर या किसी के बताए पर ट्रेड ना लो, लॉस होगा। अगर लॉस से बचना है तो थोड़ा मार्केट को अपने नज़रिए से देखो कि मार्केट क्या कर रहा है।
मुझे लगता है कि मार्केट ने एक रेंज बनाई, शायद धीरे धीरे मार्केट नीचे तो आ रहा है, एक रेंज बना रहा है, फिर भी हम कॉन्फिडेंस से डटे रहेंगे यहाँ पर कि मार्केट 51,499 का टारगेट लगाया हुआ है, तो मार्केट को 51,500 पर आना है नीचे की साइड। ये हमारा टारगेट पूरा होते ही हम निकल जाएंगे मार्केट से, जो मिलेगा वो लेकर। चार्ट मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करो, कभी भी आप ट्रेड करो ना मार्केट, तो ये ध्यान रखो कि आप जो पोजीशन चल रही है उसको ध्यान रखो, चार्ट पर क्या चल रहा है, कैंडल कहाँ जा रहा है, ये मत देखो बार बार अपना आप चेक करो, पोर्टफोलियो देख रहे हो कि कितना माइनस हो गया कितना प्लस हो गया, क्योंकि आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस खो जाता है। आप ओनली चार्ट को देखो ना कि उसको देखो, पैसे के घटते बढ़ते को देखोगे तो आपका माइंड अपसेट हो जाएगा और आप उसे काट दोगे। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं देखा है, क्यों नहीं देखा, इसीलिए नहीं देखा है कि जो देखने से सीधा आदमी कॉन्फिडेंस खो देता है, तो सीधा वो जल्दबाजी में उसको काट देता है। इसलिए मार्केट को देखो खाली कि चार्ट पर क्या चल रहा है, मार्केट चार्ट के हिसाब से चलेगा। अब प्लस माइनस तो होगा अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो सीधी सी बात है बैंक निफ्टी है, कोई निफ्टी फिफ्टी तो है नहीं, बैंक निफ्टी में तो खतरनाक माइनस खतरनाक प्लस होता है। तो माइनस प्लस माइनस पैसे को ना देखकर आप चार्ट को देखते रहो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि कैंडल बन रही है, प्रॉफिट होगा। आप देखो तभी। अब मैं भी मेरे चार्ट को देख रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस को देखूँगा तो मुझे टेंशन हो जाएगा, इसलिए मैं टेंशन ना लेकर मैं अपने ट्रेड को देख रहा हूँ कि मार्केट मुझे 51,500 तक आए तो मैं 51,499 पर निकल जाऊँ यहाँ से मार्केट से, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ये मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, सुबह के 9:42 हो चुके हैं, 21 जून की सुबह है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है, मैंने टारगेट लगाया हुआ है 51,499 पर। कॉन्फिडेंस बना के रखो ताकि मार्केट में डटे हों। लॉस तभी होता है मेरे भाई जब मार्केट में बार बार आप पैसे के माइनस प्लस को देखते हो। आप माइनस प्लस को देखना छोड़कर खाली अपना चार्ट देखते रहें, चार्ट से ही पता लग जाएगा ना फिर पुट कैंडल किस साइड बन रही है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, जहाँ भी आपने कॉल को या पुट लिया हुआ है उस पर कॉन्फिडेंस रखें अपने पर, मार्केट को कैंडल में इतना रुपये लेना है, मुझे इतना कुछ लेना है, जो भी कुछ लेना है आपको टारगेट रखें, डरे नहीं। थोड़ी देर में हमारा टारगेट पूरा होने वाला है, ये हमारा टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ। पैसा तभी बनता है भैया जब कॉन्फिडेंस हो, तो कभी भी माइनस प्लस को ना देखकर खाली चार्ट को देखो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे। बस थोड़ी सी देर में चार्ट 499 छो लेगा और मैं इसको माइनस प्लस को मैं अपना टारगेट लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। बस यहाँ भी हम टारगेट को ले सकते हैं, देखते हैं। मार्केट में 9,000 करीब आ चुका है, अगला कैंडल आ गया है।
कोल को हटाने वाला मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठाया थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करके मैं मार्केट का टारगेट भी लेना चाहता था, 9000 भी ले सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट किया है। वेट करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले उसको आने दो नीचे तक। कॉन्फिडेंस रखें थोड़ा, मार्केट छू ले थोड़ा। ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, 13000 पर हमने इसको पोजीशन को काट दिया है और ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। भैया हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक हमें चाहिए था